नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल टॉप 10 का टेस्ट नंबर 4 लगाने वाले हैं। आप इसे ज़रूर लगाएं, इसके बाद अपने मार्क्स को कमेंट करें। काफ़ी कम ही लोग अपने मार्क्स को कमेंट करते हैं, तो सभी लोग इसे कोशिश करें और अपने मार्क्स को बताएं। इसके अलावा यदि आपके कम मार्क्स भी आते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप इन 10ों प्रश्नों को लिख लें। और जैसे आज का जो आपने टेस्ट लगाया है, आज के अलावा जो पहले के 3 प्रश्न 3 सेट हैं उनको भी एक बार आप जरूर रिवाइज करें। प्रत्येक दिन इस तरह की एक टेस्ट लाने की कोशिश की जाएगी, निश्चित आप निश्चिंत रहें उसके लिए। इसके अलावा कई लोग पीडीएफ की मांग करते हैं, तो दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा वह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप भी है। आप एक बार कम्युनिटी टैब में जाकर हमारे पोस्ट को चेक करें, वहाँ पर सभी लिंक दिए हुए हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है क्या? है बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली प्रदेश, आर्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ध्यान रखें, बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या कहता है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो साथियों, इसका उत्तर लगाएं और ध्यान रखें, इसका आंसर है शेखपुरा। ठीक है, शेखपुरा जो है ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 क्या कहता है उसे भी देख लीजिए, कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद, मधेपुरा, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ध्यान रखें, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है यह है मुंगेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, गोपालगंज, समस्तीपुर, शिवहर या पटना, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ध्यान रखें, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है ये है हमारा गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कहता है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास, पटना, नवादा, दरभंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ध्यान रखें, बिहार में सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला है यह है रोहतास। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या कहता है, कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ध्यान रखें, सबसे कम जो साक्षरता वाला जिला है यह है अपना पूर्णिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 क्या कहता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ध्यान रखें, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है ये है किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या कहता है, कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ध्यान रखें, बिहार में सबसे कम जो है वर्षा वाला जो जिला है ये है औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या कहता है, कि बिहार में सबसे ठंडा जिला? किशनगंज, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ध्यान रखें, बिहार में जो सबसे ठंडा जिला है
ये है आपका गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है ये है पटना। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपने इसमें अच्छे से इसे लगाया होगा और अपना मार्क्स कमेंट करें, इसके अलावा इसे शेयर भी करें। बहुत जल्दी हम लोग 66वीं BPSC का फुल टेस्ट 3 कवर करेंगे, इसके अलावा मेंस के कई सारे क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं। यदि आप 65 दे रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें, और प्री का क्लास जो है 66 के लिए सब्जेक्ट वाइज सिलसिलेवार तरीके से शुरू हो चुका है, कई सारे वीडियो आ चुकी है और भी कई सारे वीडियो आने बाकी है। आप उसे निश्चिंत होकर तैयार करें और सेट को लगाने की कोशिश करें। धन्यवाद।